वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। और आज डेट है 13th ऑफ अगस्त। बेटा चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और उसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक रह गया है जिसको हम बोलते हैं हिडन गुडविल। कुछ क्वेश्चंस करते हैं हिडन गुडविल को समझने के लिए। बेटा पहली बात, मैंने आपके साथ हमेशा डिस्कस करा गुडविल दो तरह की होती हैं। एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है परचेज गुडविल, और एक और भी गुडविल होती है जिसको आप बच्चे कहते हैं सेल्फ जनरेटेड, कुछ बच्चे कहते हैं वैल्यूड गुडविल। तो ये कौन सी गुडविल की बात है, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये बात हो रही है आपसे सेल्फ जनरेटेड वैल्यूड गुडविल की, ये परचेज गुडविल की बात नहीं कर रहे। तो कौन सी गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड। दूसरी बात, हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ, जैसे हम एक गेम खेलते हैं हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई, तो ये गुडविल छुपी हुई है, आपको क्या करना है, ये वाली गुडविल फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब सर ये गुडविल आपको ढूंढनी है, तो पहला काम ये हुआ गुडविल ढूंढनी है। एक एग्जांपल के साथ बात करते हैं, ये दो पार्टनर हैं, एक ए है एक बी है, इनकी रेशियो दे रखी है 3:2, इनकी कैपिटल्स आपको दे रखी हैं, ए की कैपिटल है 40,000 और बी की कैपिटल है 30,000, ये क्या दे रखी हैं, ये आपको कैपिटल दे रखी है। तो पुराने पार्टनर्स हैं ए और बी, ये उनकी रेशियो है 3:2 ओल्ड रेशियो, ए की कैपिटल है 40,000, बी की कैपिटल है 30,000, ये इनकी कैपिटल है। नया पार्टनर आया सी, सी का शेयर है 1/6 सी का शेयर है, और सी अपने साथ कैपिटल लेके आ रहा है 40,000, ये उसके साथ उसकी कैपिटल है, और क्वेश्चन में लिखा है फाइंड या कैलकुलेट गुडविल। अब आप सब बच्चों के दिमाग में आएगा, सर पूरे क्वेश्चन में तो कैपिटल कैपिटल भरा हुआ है और क्वेश्चन कह रहा है गुडविल निकालो, इसी को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड हिडन गुडविल। बेटा इनके बीच में ना गुडविल छुपी हुई है, आपको वो गुडविल ढूंढनी है। अब कैसे करेंगे, जरा आराम से एक बार समझते हैं आंसर, गुडविल कैसे ढूंढूंगा। आपके पास दो तरीके हैं जिन तरीकों से आप क्या कर सकते हो, आप टोटल कैपिटल निकाल सकते हो न्यू फर्म की। बेटा दो तरीके से हम टोटल कैपिटल निकाल सकते हैं न्यू फर्म की। एक तरीका आपने मेरे साथ सीखा था अभी अभी कैपिटल एडजस्टमेंट में, कैसे सीखा था, आपने कहा 1/6 शेयर है और कैपिटल कितनी है 40,000, तो हमने कैसे आपको सिखाया था, मैंने कहा था 40,000 और जो सी का शेयर है उसको रेसिप्रोकल कर दो। बेटा ये हमने सीखा था टोटल कैपिटल निकालने का तरीका कैपिटल एडजस्टमेंट में, जैसे ही रिवर्स करा तो मेरे पास आ गया 2,40,000। ये तरीका आप सब बच्चे जानते हैं, नए पार्टनर की कैपिटल और नए पार्टनर का शेयर क्या करना है, रिवर्स करना है, टोटल आ गया, ये सब बच्चों को पता है। दूसरा तरीका भी बड़ा आसान है, तीन पार्टनर हैं, तीनों की कैपिटल को प्लस कर दो, ए को बी को सी को, अगर आप तीनों की कैपिटल को प्लस करोगे तो भी क्या आ जाएगा, टोटल कैपिटल। एक बार प्लस करें, ए की कैपिटल है 40,000, बी की कैपिटल है 30,000 और सी की कैपिटल कितनी है 40,000, तीनों की कैपिटल को प्लस करें तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है
10,000। तो बेटा ये तीनों की कैपिटल, तो दो तरीके हैं, तीनों की कैपिटल प्लस कर दो या नए पार्टनर की कैपिटल को रेसिप्रोकल कर दो। और सर ये आंसर हमेशा टैली होना चाहिए बेटा, कान यहां से पकड़ो या कान यहां से पकड़ो, ये दोनों सेम होने चाहिए, बट सर इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है और वो डिफरेंस आ रहा है 1,30,000। इस डिफरेंस को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड गुडविल, ये है हिडन गुडविल। मुझे बस आप इतना बताओ, ये गुडविल बेटा, ये गुडविल नए पार्टनर की है या ये गुडविल फर्म की है? आप सब बच्चे इस बात का आंसर दें, ध्यान से देखो, टोटल कैपिटल किसकी निकाला है मैंने, फर्म का। जब दोस्तों कंपैरिजन फर्म में हो रहा है तो ये गुडविल भी पता है किसकी होगी, ये गुडविल भी होगी फर्म की। और ये कौन सी गुडविल है? दिस इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो यही आपको निकालना था, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, हिडन गुडविल, वैल्यूड गुडविल है, वेरी गुड। मगर मैं अब आपको इससे आगे लेके चलना चाहता हूँ बेटा। आगे आपने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि न्यू पार्टनर का शेयर कितना है। क्वेश्चन खत्म, गुडविल निकालनी थी, गुडविल निकाल दी, बट हम आगे पढ़ते हैं इसमें नए पार्टनर का शेयर, सी का शेयर कितना है? सी का शेयर है 1/6। अगर मैं इसमें 1/6 शेयर निकालूं तो 1,30,000 का 1/6 कितना हुआ, बताइए जल्दी से। 1,30,000 डिवाइड बाय 6, बेटा ये हो गया 21,667। तो ये आ गया नए पार्टनर का शेयर, जिसको आप बच्चे पता है क्या बोलते हैं बेटा, आप इसे क्या बोलते हो, याद है आपको? शेयर ऑफ गुडविल को आप बच्चे बोलते हैं, वेरी गुड उत्कर्ष, क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल, ये होता है प्रीमियम फॉर गुडविल, सौम्या वंशिका। और प्रीमियम के मैंने बड़े सारे केसेस बताए थे, पहला केस था कैश में लाएगा या चेक लाएगा, दूसरा केस था बेटा, बड़े सारे केसेस, 5 केसेस थे, दूसरा केस था नहीं लाएगा, नॉट कैश, नहीं लाता तो हम उसे क्या बना लेते हैं, हम बना लेते हैं डेटर। तीसरा केस था पार्शली, थोड़ा लाया थोड़ा नहीं लाया। फिर फोर्थ केस था अपने साथ कूलर ले आया, कूलर का मतलब है अपने साथ क्या ले आया, असेट इन काइंड। और फिफ्थ केस था दोस्तों प्राइवेटली पेड, जिसकी एंट्री नहीं होती। तो एक बार हमें गुडविल निकालनी है और उसके बाद जैसा जैसा क्वेश्चन बोले आप उसके अकॉर्डिंग एंट्री कर देंगे। अब क्वेश्चन ये है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन तो दोस्तों आप हमेशा क्या मानोगे, आप क्या मानोगे? नॉट इन कैश। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा तो आप इस 21,000 को क्या मानोगे, वो कैश में नहीं लाया। हिडन गुडविल का पहला क्वेश्चन एक और कराता हूं और फिर देखना, एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा आपको, शॉर्टकट तरीके से दोस्तों आपका एकदम टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। आइए जरा एक बुक का क्वेश्चन करते हैं, मैं चाहता हूं आपके साथ एक शॉर्टकट डिस्कशन। ये देखिए पेज नंबर 5.95 और ये टॉपिक दिया है हिडन, छुपी हुई है गुडविल, इस गुडविल को ढूंढना है। हम आपके साथ करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, बाकी दोनों क्वेश्चंस आप करेंगे होमवर्क में। आइए जरा ध्यान से, भुवन एंड शिवम, इनकी रेशियो दे रखी है 3:2, देयर कैपिटल्स बेटा, इनकी कैपिटल है 50,000 और 75, कैपिटल दे रखी है, समझ जाना हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। दे एडमिट अतुल, नया पार्टनर आया 1/4 शेयर के लिए, अतुल ब्रॉट 75,000 एज हिज कैपिटल, अतुल की भी कैपिटल दे रखी है और क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म।
गुडविल निकालनी है यानी हिडन गुडविल, एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, एंट्रीज भी करनी है। तो पहले इस क्वेश्चन को लिखते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 37, और टोटल कैपिटल निकालने का दो तरीके हैं। दो तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एक में क्या करेंगे, एक में तो आप भुवन की कैपिटल प्लस शिवम की कैपिटल प्लस नया पार्टनर कौन था अतुल, तीनों की कैपिटल को प्लस कर दो। भुवन की थी 50,000, शिवम की थी 75,000 और अतुल की थी 75,000। बताओ टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ 2 लाख। एक और तरीका है, सिर्फ शिवम की कैपिटल ले लो, शिवम की सॉरी अतुल की, सिर्फ अतुल की कैपिटल लो और उसका शेयर था कितना, शेयर था 1/4, रेसिप्रोकल कर दो बेटा, रेसिप्रोकल कर देते हैं उसकी कैपिटल और उसका शेयर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 3 लाख। सर दोनों तरीके से गुडविल का आंसर सेम आना चाहिए, बट इनके बीच में जो डिफरेंस आता है दिस इज कॉल्ड हिडन गुडविल वैल्यूड ऑफ फर्म। बेटा ये फर्म की गुडविल है, हमेशा कितनी आई, 1 लाख। अब 1 लाख तो आ गई, अब कहानी को आगे लेके चलते हैं। नया पार्टनर कौन था, नया पार्टनर था अतुल। जरा देखें अतुल का शेयर कितना था, अतुल का शेयर था 1/4 और 1 लाख। अतुल का शेयर कितना आया, 25,000, जिसको आप बच्चे बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो हम क्या मानेंगे, ही नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, नॉट कैश। नॉट कैश का मतलब आप अतुल को पता है क्या बना लेते हो, अतुल को बना लेते हो डेटर। तो जरा एंट्री करें इसकी, बेटा आराम से एंट्री करते हैं, गुडविल ना लाने की एंट्री, अतुल। आप बताओ कैपिटल लिखूं या करंट अकाउंट लिखूं, जल्दी से बताओ। उत्कर्ष वेरी गुड, बेटर अतुल की कैपिटल लिखूं या करंट अकाउंट, मैंने कहा था उसको हम डेटर बना लेते हैं। डेटर बना लिया 25,000 और फिर ये पार्टनर्स बांट लेते हैं कौन सी रेशियो में, सेक्रीफाइजिंग रेशियो। एक है भव्य भुवन, भुवन कैपिटल अकाउंट, दूसरा था शिवम, शिवम कैपिटल अकाउंट। बेटा सेक्रीफाइजिंग रेशियो पहला केस है, ज्यादातर चांसेस होते हैं पहला केस आता है, पहला केस मतलब जिसमें ओल्ड रेशियो किसके बराबर होती है, सेक्रीफाइसिंग की। तो कितना कितना आ गया, 15,000 और 10,000, 5 से डिवाइड किया 5, 15,000 10,000। बेटा ये तो सब कर लेते हैं, पता है क्या भूल जाते हैं, भूल जाते हैं ये बेटा वो कैपिटल भी तो लाया था। वेरी गुड समीक्षा, बेटा कैपिटल भी तो लाया था, कैपिटल लाने की क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू अतुल कैपिटल अकाउंट। ऑलमोस्ट बच्चे ये एंट्री भूल जाते हैं, वो सिर्फ हिडन गुडविल निकालते हैं और उसकी एंट्री पास करते हैं, कहानी खत्म। तो ये भी हमारी कहानी हो गई खत्म। बेटा मुझे बताइए क्या आपको हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट समझ आया है, अब मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करो फटाफट, जल्दी जल्दी बताओ। और एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, बोलो बेटा फटाफट, मैं फिर आपके साथ आगे चलता हूं, बताएं फटाफट।
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बट छोटा सा टॉपिक था और ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब सर एक शॉर्टकट मुझे आपको बताना है, उस शॉर्टकट से पहले बात को समझे जरा। आपको याद है मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल बनाने का एक स्टेप सिखाए थे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, यहीं से एक शॉर्टकट निकलेगा। डेबिट क्रेडिट ये वाली साइड होती है प्लस पार्टनर को मिलता है। दोबारा से रिवाइज कर लो दोस्तों, आज लास्ट क्लास है एडमिशन चैप्टर की। जी बेटा लास्ट क्लास है एडमिशन चैप्टर की, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट और डेथ। यहां पर मान लेते हैं ये दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर का नाम है ए, दूसरे पार्टनर का नाम है बी। यहां भी दो पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर का नाम है ए, एक पार्टनर का नाम है बी। और मैंने आपको बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के चार स्टेप होते हैं जो आप हमेशा याद रखेंगे, चार स्टेप। पहला स्टेप होता था ओपनिंग बैलेंस, जिसको सब बच्चे बोलते हैं बैलेंस बीडी, बेटा ओपनिंग बैलेंस। दूसरा स्टेप होता था याद कर लो रीवैल्यूएशन का, अगर प्रॉफिट है तो इधर आएगा और अगर बाय चांस रीवैल्यूएशन का लॉस है तो इधर आएगा। तीसरा स्टेप होता था बैलेंस शीट के अंदर कुछ आठ आइटम्स थी जिनको हम जनरल रिजर्व, बहुत सारी आठ आइटम थी, वो आठ आइटम यहाँ बढ़ जाती थी। और ऐसे ही बेटा ऐसे ही कुछ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होते थे, ऐसे कुछ चार आइटम थी, वो चार आइटम इधर बढ़ जाएंगे। और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी दिखाया था, एक बार दोबारा से देख लो ये आठ आइटम कौन सी हैं। ये रही वो आठ आइटम, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ। जी बेटा ये आठ आइटम, और ये है असेट साइड में तीन आइटम, पी एंड एल एडवर्टीजमेंट डेफर्ड, और एक ऊपर आता है उसको कहते हैं गुडविल, दिस इज कॉल्ड परचेज गुडविल। तो ये चार आइटम है, ये होता है हमारा लॉस। याद रखना दोस्तों लास्ट डे है इसका, और अगर यहां दिया होता है तो ये दिया होता है प्रॉफिट्स। इन सबको हमें बांटना होता है, तो इन सबको हमने बांट दिया, ये हो गई बात खत्म। और उसके बाद जो फोर्थ स्टेप होता है, फोर्थ स्टेप में हम करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ये फोर्थ स्टेप है प्रीमियम फॉर गुडविल, और जो नया पार्टनर कैपिटल लाता है, इस तरह से खत्म। मुझे इतना बताइए प्रीमियम कौन सी रेशियो में बढ़ता है? बेटा प्रीमियम कौन सी रेशियो में बढ़ता है? सेक्रीफाइजिंग। ये बताइए रीवैल्यूएशन कौन सी रेशियो में बढ़ता है? रीवैल्यूएशन। बेटा रीवैल्यूएशन ओल्ड रेशियो में, जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में, रीवैल्यूएशन ओल्ड रेशियो, एडवर्टीजमेंट ओल्ड रेशियो, यानी सब कुछ ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, बस प्रीमियम को छोड़कर प्रीमियम बढ़ता है सेक्रीफाइजिंग। और चारों केस करने के बाद लास्ट में आता है बैलेंस सीडी, ये आता है बैलेंस सीडी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मैंने आपको ये क्यों कराया रिवाइज? बेटा ये शॉर्टकट है गुडविल निकालने का। मैंने अभी अभी आपको बताया था हिडन गुडविल के दो तरीके होते हैं, दो तरीके से। एक में क्या करते हो, आप सारी कैपिटल्स को प्लस करते हो, जितनी भी कैपिटल्स दी होती हैं उन्हें क्या करते हो, प्लस करते हो। मेरा क्वेश्चन छोटा सा ये है, ये कौन सी कैपिटल है? आप सब बच्चों से बेटा क्वेश्चन मेरा ये है, ये कैपिटल सर ओपनिंग वाली बात हो रही है या ये कैपिटल क्लोजिंग है? बस इतना आप बता दें, मेरा काम आसान हो जाएगा,
मैंने अभी भी बताया ना, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल प्लस करते हैं, वो कैपिटल कौन सी होती है बेटा? हमेशा याद रखेंगे, वो कैपिटल कौन सी होती है? सीडी। सीडी का मतलब क्लोजिंग कैपिटल। और क्लोजिंग कैसे आती है? चारों स्टेप करने के बाद। तो हो सकता है आपके पास रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो, प्लस कर देना, जनरल रिजर्व हो, प्लस कर देना, कोई लॉस हो तो माइनस कर देना। फाइनली आती है क्लोजिंग कैपिटल, उसके बेस पे निकलती है हिडन गुडविल। ये छोटा सा शॉर्टकट याद रखना। मैं अब आपको एक क्वेश्चन कराना चाहता हूं, आओ जरा ध्यान से बेटा। एक बच्चे का डाउट था, इलस्ट्रेशन 37, पेज नंबर है 5.31। इस टॉपिक को समझ लेते हैं बेटा। इशिका गुडविल असेट होती है, और अगर पार्टनर गुडविल को लेके जाते हैं तो उसको ड्रॉइंग्स कहते हैं, इसलिए गुडविल को डेबिट किया जाता है पार्टनर्स में, क्योंकि ये असेट है, लेके जा रहे हैं ड्रॉइंग्स। इस क्वेश्चन को समझते हैं जरा। बैलेंस शीट दे रखी है अमित एंड सुमित, जिनकी रेशियो है इक्वली, और नीचे लिखा है हरित इज एडमिटेड। हरित इज एडमिटेड, हरित का शेयर है 1/4 शेयर। ही ब्रिंग्स, वो लेके आया 2 लाख कैपिटल। बेटा सब कुछ कैपिटल कैपिटल लिखा हुआ है, और नीचे लिखा है ही इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल तो पता नहीं, गुडविल नहीं पता, इसी को तो बोलते हैं हिडन गुडविल। गुडविल निकालनी है। अब सुनो जरा ध्यान से, ये रही बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखो कैपिटल दे रखी है, और काम की बात, एक गुडविल दे रखी है। क्या कोई लॉस दे रखा है? नहीं दे रखा। क्या कोई रिजर्व दे रखा है? यस, रिजर्व दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था, अब अमित और सुमित की कैपिटल 2 लाख 2 लाख नहीं लोगे। इलस्ट्रेशन नंबर 37 में आराम से चलते हैं जरा। और दो तरीके थे इसमें निकालने के। एक तरीका है जिसमें अमित की कैपिटल प्लस सुमित की कैपिटल प्लस हरित की कैपिटल, ये प्लस करते हैं। तो जरा बताएं एक बारी, अमित और सुमित की कितनी है? 2 लाख 2 लाख बेटा, 2 लाख 2 लाख। उसके बाद हरित की कितनी है? हरित की भी 2 लाख है, मगर सर ये वाली कैपिटल तो बीडी होती है। बीडी ओपनिंग कैपिटल है, मुझे क्या चाहिए? सीडी। अब मुझे ढूंढना है क्या कोई रीवैल्यूएशन तो नहीं है, कोई जनरल रिजर्व तो नहीं है, कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस तो नहीं है, मुझे ढूंढना है। अब आप देखो जरा, मुझे एक मिल गया जनरल रिजर्व 1 लाख। जनरल रिजर्व को मैं क्या करूंगा बेटा? जनरल रिजर्व क्या करूंगा? प्लस मेरा प्रॉफिट है। इस बात को समझें आप, क्योंकि मुझे हमेशा क्या निकालनी है? बैलेंस सीडी। और देखें, एक गुडविल दे रखी है, ये गुडविल कहाँ आती है? इन चार जगहों में से एक आती है गुडविल। कितनी गुडविल है? 80,000। गुडविल को मैं क्या करूंगा, प्लस या माइनस? गुडविल को सर हम करेंगे माइनस, क्योंकि ये डेबिट साइड में माइनस साइड आ रही है। अब जाकर मैं बोल सकता हूं क्या कोई रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस है? नहीं। इट मींस ये कौन सी कैपिटल आ गई दोस्तों? अब आ गई सीडी। पहले थी बीडी, अब आ गई सीडी। इनका टोटल पता है कितना आ रहा है? टोटल आ रहा है 6,20,000। और एक और तरीका था, सिर्फ हरीश की कैपिटल, हरीश की कैपिटल ले लो 2 लाख, और हरीश का शेयर था 1/4, रिवर्स कर दिया तो ये कितना आ गया? 8 लाख। और ये बताइए अब इनके बीच में क्या डिफरेंस है बेटा? इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है 1,80,000। दिस इज कॉल्ड हिडन गुडविल। बेटा मेरे से ये बात मत करना कि सर बुक में एक अलग फॉर्मूला दिया हुआ है, मैं बुक की बातें आपसे कभी डिस्कस नहीं करता।
आंसर आना चाहिए बुक में क्या दिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है, जो भी बुक में लिखा हुआ है हम लॉजिकली बात करेंगे। 1,80,000 की गुडविल आ गई, और जल्दी से बताओ, जल्दी से बेटा याद रखना, सीडी निकालना है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस सब करना है। अब जल्दी से देखें, हरित का शेयर कितना है। वेरी गुड वंशिका, बच्चे कह रहे हैं सर इजी मेथड है। हरीश का शेयर था 1,40,000, और ये लाया है 1,80,000। 1,80,000 का 1/4 होता है इशिका 45,000, और उन्होंने कहा था अनेबल टू ब्रिंग नॉट कैश, तो आपको डेटर वाली एंट्री करनी है, तो अनेबल टू ब्रिंग डेटर वाली एंट्री करेंगे बेटा 45,000, और यही रेशो ओल्ड रेशो है, यही क्या बन जाएगी सेक्रीफाइस। चेक करें जरा, 45 को बांटेंगे तो 22,500 आएगा, जरा चेक करें। ये देखो हरित का क्या लिखा है, करंट अकाउंट 45, डेटर, और अमित और सुमित में बांट दिया सेक्रीफाइजिंग रेशो इक्वली, क्योंकि फर्स्ट केस है तो सेक्रीफाइजिंग रेशो। बेटा उत्कर्ष आपका डाउट था ये, और बाकी सब बच्चे बताएं, इज इट क्लियर। बुक को छोड़ो, लॉजिकली बताओ इज इट क्लियर। बेटा फटाफट मुझे बताएं स्पीड से। अब अगर आपको बात समझ आ गई है तो फटाफट मेरे साथ जरा स्पीड से करते हैं इलस्ट्रेशन 36। बेटा आप ही बताएंगे जल्दी जल्दी। दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, उनकी रेशो दे रखी है 3:2। कैपिटल दे रखी है, आपको पता है ये कौन सी कैपिटल होती है। बेटा ये कौन सी कैपिटल होती है, ये होती है बीडी, ओपनिंग कैपिटल। आपको बीडी नहीं चाहिए, आपको चाहिए सीडी, क्लोजिंग। अब जल्दी से ढूंढो जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या करोगे, प्लस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या करोगे, प्लस, क्योंकि ये सर प्रॉफिट्स हैं। एडवर्टीजमेंट क्या करोगे, एडवर्टीजमेंट माइनस। जिन बच्चों को पुरानी बातें याद हैं, ये वाली जनरल रिजर्व P&L प्लस होगा, एडवर्टीजमेंट गुडविल डेफर्ड माइनस होंगे। अगर ये बातें याद हैं तो आपको समझ आ गया। जल्दी से जरा कैलकुलेट करें, 48 और 32, 80 और 60 और 25, 80 और 60 होते हैं 140 और 165 में से 15,000 माइनस करें तो बचे 1,50,000। नया पार्टनर है जेड, जेड की कैपिटल है 50,000, 1,50,000 और 50,000 हो गई 2,00,000। एक तरफ आ गई 2,00,000, दूसरी तरफ 50 × 5 2,50,000, तो 2,00,000 और 2,50,000 का जो डिफरेंस आया वो आया 50,000। तो फाइनली जो गुडविल है वो आपकी कितनी आ गई, 50,000। आंसर चेक करें, आप लास्ट में चेक करो वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल कितनी आ रही है, 50,000। बेटा सीधा शॉर्टकट मारेंगे, इतना टाइम नहीं है सारी बातें समझने का, और इसके साथ एक और क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना था। बच्चे कह रहे थे सर ये भी डाउट है। बेटा हिडन गुडविल का टॉपिक हमारा खत्म, मैं आपके साथ दोस्तों एक और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, 5.96 क्वेश्चन नंबर 39। थैंक यू अमन। बेटा आप बच्चे बस क्लासेस मिस मत किया करो, बाकी तो आपको कहीं प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा अकाउंट्स के अंदर। सारे शॉर्टकट सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लेंगे आप बच्चों के साथ। 5.96 क्वेश्चन नंबर 39, बेटा एक बार आप सब बच्चे रीड करें, बेटा एक बार रीड करें सारे बच्चे, और मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर
39। चलिए एक बार जरा देखते हैं। असिन एंड श्रिया दो पार्टनर हैं, असिन और श्रिया। दे एडमिट अजय, अजय का शेयर है 1/5 शेयर। अजय ब्रिंग्स 5 लाख कैपिटल, अजय कैपिटल भी लाया है 5 लाख। मगर सर कहानी आगे कुछ और है। आगे लिखा है टोटल असेट्स ऑफ फर्म, फर्म की असेट है 15 लाख और आउटसाइड लाइबिलिटीज है 5 लाख की। इसका इससे क्या मतलब है? अब सुनो जरा मतलब क्या है। मैंने आपको कहा था हमारे पास दो तरीके हैं टोटल कैपिटल निकालने के। अब आपको क्या दे रखी है, अगर आप बच्चों को याद दिलाऊं पुरानी बातें, बैलेंस शीट के अंदर दोस्तों इधर आती हैं असेट्स, इधर आती हैं लाइबिलिटीज और जो बच जाता है उसे क्या कहते हैं कैपिटल। ये हमने बैलेंस शीट में पढ़ा था असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इस क्वेश्चन में आपको असेट दे रखी है 15 लाख की, लाइबिलिटी दे रखी है 5 लाख की, क्या बता सकते हो कैपिटल कितनी आएगी? जल्दी बताओ कैपिटल कितनी आएगी। तो ये कैपिटल आ गई 15 लाख में से 5 लाख माइनस करा तो कैपिटल आ गई 10 लाख की। और ये बैलेंस शीट कौन सी होती है? ओल्ड फर्म की। इट मींस दोनों पार्टनर्स की कैपिटल आपको पता लग गई। पुराने पार्टनर्स, बेटा पुराने पार्टनर्स कौन कौन थे? एक था असिन, दूसरी थी श्रिया, तीसरा जो नया आया था उसका क्या नाम था? अजय। आपको अजय की कैपिटल तो पहले से पता थी 5 लाख और इन दोनों की कैपिटल अभी अभी आपने निकाली है। फर्म की कैपिटल असेट माइनस लाइबिलिटी, फर्म की कैपिटल आ गई 10 लाख, तो कुल मिला के टोटल कैपिटल आ गई 15 लाख। एक और तरीका होता है 5 लाख और उसका शेयर था 1/5, रिवर्स कर दिया, रिवर्स करते ही ये कितना आ गया 25 लाख। और इनके बीच में दोस्तों हिडन गुडविल आ गई 10 लाख रुपए। तो दिस इज कॉल्ड हिडन गुडविल ऑफ फर्म। बेटा मुझे बस ये समझाना था कि ये 10 लाख रुपए मैंने कैसे निकाला। इन दोनों की कैपिटल आपने बैलेंस शीट से ले ली, अलग अलग करने का कोई फायदा नहीं है, दोनों की मिला के 10 लाख है, हमारा काम बन गया, 10 लाख की गुडविल आ गई फर्म की। बेटा क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? बोलो जल्दी से, इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू? बेटा अब आपने क्या करना है, मैं मेरा एक असाइनमेंट है एडमिशन चैप्टर का, मैंने उसको अपलोड भी कर दिया था वेबसाइट पर। उसके अंदर बेटा जितने क्वेश्चंस हैं आप सब बच्चे जरूर ट्राई करना असाइनमेंट के क्वेश्चंस। बेटा असाइनमेंट के क्वेश्चंस उसमें सारा का सारा टॉपिक कवर हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ करूंगा नया चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ। अब बाकी सारे चैप्टर बहुत आसान हैं। पहले दोस्तों आपको अनम्यूट करते हैं आपके डाउट्स के लिए।